कहाँ से कर रहे हैं आज पेंट चाहिए? ये है शाम के 9, तो आप बाहर घूम रहे हो वो भी विंटर में। मनान साहब क्यों मार सुबह सुबह आते हैं? अब हम निकल रहे हैं गुलमोह की तरफ। मौला कर दो कर में चेन्स लगाई जाएगी। अब हम पहुंच गए अच्छे से, देखो अब हम गुलमर्ग भी आ गए। यहाँ पे टॉस हो रहा है हरियाणा का मैच है इस मैच का। अस्सलामुअलैकुम, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि आज जाना है हमें नेशनल्स खेलेंगे गुलमर्ग। तो पहले हमें स्टे आज नाइट का करना है यहीं कश्मीरी पैलेस में। तो आज रात हम यहीं पर रहेंगे, कैसी रहेगी हमारी आज की रात वो हम आप सबको दिखाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा, वीडियो के साथ बने रहे। जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ होगा हमारा नाइट स्टे आज का, और कल हमें निकलना है सुबह के 6 बजे गुलमर्ग के लिए। तो ये हमारा रूम। साजि सब क्या माना काज कर रहे आज फेंट चाहिए क्या है? एरोप्लेन मतलब चाहिए मन एरोप्लेन। तो आप निकले हम थोड़ा बाहर, हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। इन्होंने बोला आप थोड़ा घूम के आएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि रूम में बोर हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो फाइनली अब हम आ गए हैं रूम पे, थक बहुत गए वहाँ से। तो अब हम रेस्ट करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद खाना खाने जाएंगे। तो आपका नाम क्या है? दीपांशु मैम। कहाँ से हो? हरियाणा। इस टाइम बजे है शाम के 9, तो आप बाहर घूम रहे हो वो भी विंटर में इन कश्मीर। तो ठंड लग रही है कुछ? नहीं। मज़ा आ रहा है सच्ची? तो आप गुलमर्ग घूमने के लिए बेताब हो गए, बोल रहे हो कल कब होगी? कल कब? और कितने बंदे आए हो? 8 बंदे आए हो। तो करो इन्जॉय, चलो। मनान साहब क्यों मार सुबह सुबह आते हैं? ठीक है। अब हम निकल रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, बर्फ भी पड़ रही है यहाँ पे। अब हम निकलने वाले हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि स्नो भी पड़ रही है थोड़ी बहुत। कर दो करम हम पे करम, मला हम पे करम, बिखरे हुए शर्म साज है हम, रहमत के तलबकार है वास्ता नबी का मौला। प्रख रट बोलो। अब हम पहुंच गए टंगमर्ग, पता नहीं यहाँ से गाड़ी इस गाड़ी को छोड़ेंगे ऊपर या नहीं। तो यहाँ से फिर हमें दूसरी गाड़ी पकड़नी होगी। उसमें अभी रोड पे जमा ही है, तो अब इनमें चेन्स लगाई जाएगी फिर हम ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये है टंगमर्ग का नजारा सुबह सुबह का, सुबह के बजे 7। बबलई जाने दीदार रात दो करियो फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम पहुंच गए अच्छे से, अब जाएंगे हम सीधे ग्राउंड में, ग्राउंड में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैच। हाँ, एक तरफ से आपको खूबसूरती दिखेगी लेकिन दूसरे साइड से ये देखेगा, देखो हद होती है। छोटू अब हम गुलमर्ग भी आ गए, कैसा लग रहा है आपको गुलमर्ग का नज़ारा? बहुत बढ़िया। बढ़िया है, देखा था कभी ऐसा? कभी देखा था ऐसा? नहीं।
मजा है हाँ। अभी तो और भी मजा आने वाला है, अभी गेम भी बाकी है हाँ। हाँ? रास्ते में डर मत गए? सच बोल, सही में नहीं डर गए? चलो अच्छी बात है। तो अब पहुंच गए हम ग्राउंड के अंदर, ये है ग्राउंड हमारी गेम का। आज बॉयज फिक्स कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे टॉस हो रहा है हरियाणा और गुजरात के बीच। तो ये है मेरे साथ भाई जो मैन ऑफ द मैच रहा है इस मैच का। तो भाई कहाँ से हो आप? गुजरात से। आपका नाम क्या है? ओम। कितना टाइम हुआ खेलते हुए? अभी तो एक वीक जैसा, मतलब एक वन मंथ जैसा। वन मंथ हाँ। तो कैसा मजा आ रहा है आपको कश्मीर में? अच्छा मजा है, मस्त है। मस्त है, मतलब वेदर भी बहुत अच्छा है। मजा है पर थोड़ा अभी सहन करना पड़ता है, थोड़ा करना तो पड़ेगा हाँ। भाई अभी आपके उतना ठंडी वहाँ यहाँ वहाँ पे नहीं, नहीं वहाँ नहीं होता, वहाँ तो पूरा नॉर्मल होता है। चलो जैसे हम स्वेटर ना पहने तभी चलो। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। फाइनली आपने आज की जो चैंपियनशिप है जीत ली, तो उसके बारे में भाई आप क्या बोलना चाहते हो? हम ऐसा बोलना है कि ये घर में गुजरात को खेलना तो बहुत टफ था, लेकिन आज गुजरात जो खेली जो फर्स्ट नंबर लेके आए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वही वही वही, कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर होल टीम। थैंक यू सो मच। और सर आपको कैसा लगा जैसे हमारे साथ आपने खेला? मुझे तो बहुत, कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा लगा। आपका जो स्ट्राइकर था वो बहुत तेज था। तो इसके साथ हमारा जो नेशनल था आज ये ख़त्म हो गया, अब निकलेंगे इंशाल्लाह घर। तो अब यहाँ पे फेरोज सर, फेरोज सर आपको बोलेंगे आज के इवेंट के बारे में कुछ। तो फेरोज सर आज के इवेंट के बारे में आप कुछ बोलिए। बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, एक नया एक्सपीरियंस हमारे लिए था। तो पहली बार हमने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ। तो कुछ आप बोलना चाहोगे आगे बंदों के लिए जो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते या जिनको पार्टिसिपेट करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है क्योंकि मैं देख रहा हूँ अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, कोई कन्याकुमारी से आ रहा है, तमिलनाडु से, बहुत बहुत अलग अलग स्टेट से प्लेयर्स आ रहे हैं। तो जब वो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र करके यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो हमारे यहाँ कश्मीर का एक नौजवान क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? सही सर, चलो सर, थैंक यू, थैंक यू। फाइनली तो मैं अब पहुंच गया घर, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था इसलिए मैं वीडियो रह गया था वहाँ पे। तो आज थकावट बहुत ज़्यादा आ गई है, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में तक। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।